नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। जी हां, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा दिया गया है। हार की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हुई है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी 54 तो कांग्रेस 35 पर सिमट के रह गई, और इसी हार की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के नाम इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि काका के नाम से छत्तीसगढ़ में पहचान रखते हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी थी, पूरा दमखम लगा रखा था, तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चलाई, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में चलाई, और उनको देखते हुए कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में मूंखी खानी पड़ी, और कांग्रेस हारी है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजभवन की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफा सौंपने पहुंचे। ये भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे होंगे। अरे मोबाइल गिर गया किसी का? हाँ, पीछे नहीं है। जी सर, राज्यपाल महोदय की शाम से व्यस्तताएं थी, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, इस तरह से मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं, और हम लोग चूंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस ईडीसीडी की आप बात करते थे, आपको जनता ने नकार किया, करने से पता चलेगा। लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस ईडीसीडी की आप बात करते थे, जनता ने आपको जनादेश के लिए नकार दिया, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। अब देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हार का क्या कहा सर? छत्तीसगढ़ बड़ा भ्रष्टाचार। तो जनादेश का सम्मान करते हैं, ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। कुमारी सैलजा कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते।